मोदी सरकार की नजरें अब भारतीय रेल और रेलवे स्टेशन को चमकाने पर है। वैसे भी भारत में रेलवे लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है। लोग लंबी यात्राओं के लिए ज्यादातर रेलवे का प्रयोग करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। पहले चरण में 508 स्टेशनों का चयन हुआ है। इनके पुनर्विकास पर लगभग 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर बात करें बिहार की तो पहले चरण में राज्य के 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनका पुनर्विकास स्थानीय संस्कृति विरासत को ध्यान में रखकर होगा और आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये सिटी सेंटर के तौर पर विकसित होगा। स्टेशन के बाहर ट्रैफिक की स्मार्ट व्यवस्था उपलब्ध होगी। वैसे भी स्टेशन के विकास से शहरों के विकास की गति तेज होगी। इन स्टेशनों में औरंगाबाद जिले से अनुग्रह नारायण रोड, बेगूसराय से लखमिनिया और सलोना, भागलपुर से कहलगांव, नौगछिया, पिरपैती और सुल्तानगंज, भोजपुर से आरा और भियाही, बक्सर से डुमराव, रघुनाथपुर, दरभंगा से दरभंगा जंक्शन, गया जिले से गया जंक्शन और पहाड़पुर, जमुई से जमुई और सिमुरतल्ला, जहानाबाद से जहानाबाद स्टेशन, कैमूर से भभुआ रोड, दुर्गौती और कुंद्रा, कटिहार से बारसोई जंक्शन, खगड़िया से खगड़िया जंक्शन और मानसी, किशनगंज से ठाकुरगंज, मधुबनी से जयनगर, मधुबनी और संकरी, मुंगेर से जमालपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर से ढोली, मुजफ्फरपुर जंक्शन और रामदयालु नगर, नालंदा से बिहार शरीफ और राजगीर, पश्चिमी चंपारण से नरकटियागंज जंक्शन और सुगौली, पटना से बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा और तारेगना, पूर्वी चंपारण से बापूधाम मोतिहारी, पूर्णिया से बनमक्खी, रोहतास से सासाराम, सहरसा से सहरसा जंक्शन, समस्तीपुर से दलसिंह सराय और समस्तीपुर, सारण से सोनपुर जंक्शन, सीतामढ़ी से सीतामढ़ी तथा वैशाली से हाजीपुर जंक्शन शामिल है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त दिन रविवार को सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संबंधित स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। योजना में कुल 295 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्टेशन पर कई चीजों का विकास किया जाएगा, जैसे स्टेशन पहुँचने का मार्ग, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट या एक्सीलेटर, मुफ्त वाईफाई, प्लेटफॉर्म, पेयजल व्यवस्था, ब्रिज, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड। इसके साथ ही स्टेशन के डिजाइन में कई मामलों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जैसे स्टेशन का सिटी सेंटर के रूप में विकास हो, शहर के दोनों तरफ प्रवेश निकास द्वार होगा, स्टेशन भवनों का सुधार किया जाएगा, अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान होगा, यात्री आवागमन के लिए सुगम व्यवस्था होगा। इस तरह रविवार को पीएम मोदी के द्वारा बिहार की बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।